दिन हो या रात, हर वक्त आपकी खबर आप तक। चलती हुई समय का रफ्तार, आज सुबह टाइम्स टीम की खबर, हर दम हर कदम सटीक बातें, आपकी आवाज तेज गति से चल रही है। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कुशभावनपुर में चारों तरफ शहर के अनेक स्थानों पर रक्षा सुरक्षा हेतु और चारों तरफ सीसी कैमरे लगाने का प्रस्ताव जारी हुआ है। यह प्रस्ताव कुशभावनपुर की सांसद मेनका गांधी शनिवार को यह संबोधित किए हैं। विभिन्न सौगात सुल्तानपुर को मिला है, जिससे कि सांसद ने या जिला वासियों को जो है कुल 8.65 करोड़ रुपए का सौगात विकास कार्यों को तेज रफ्तार से मिल रही है। सुल्तानपुर की पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा वर्तमान मेनका गांधी जो है यह शनिवार को केश कुमारी बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के पीछे पार्किंग जोन में 8.65 करोड़ लागत के होने वाले विभिन्न विकास कार्यों की सौगात सुल्तानपुर वासियों को दिए हैं। इस सौगात के लिए या इस सौगात में मान जो है गणमान्य लोग भी इसमें शामिल हुए, जैसा कि सुल्तानपुर के MLC शैलेंद्र प्रताप सिंह, विधायक विनोद सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह और अनेक ऐसे गणमान्य लोग मौजूद रहे, जो उषा सिंह और नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण कुमार अग्रवाल की मौजूदगी में या कुशभानपुर जनपद में 7.54 करोड़ रुपए की सांसद निधि के अंतर्गत विभिन्न कार्य को तेज गति से कार्य करने के लिए सुल्तानपुर को और सौंदर्यीकरण के लिए विभिन्न तरह की सौगात जो है देखने को मिल रही है। जैसे कि कुछ आपको अंश बताते चलूं जो सौगात मिली है। नंबर 1 CC कैमरा, नंबर 2 पार्किंग जोन और प्रवेश गेट, CC रोड और तथा नगर पालिका 40 लाख रुपए में बाउंड्री वाल और खड़ंजा, मिट्टी भराई और शिलान्यास, लोकार्पण एवं पार्किंग जोन आदि। सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी यह सब विकास कार्यों को संबोधित करते हुए सौगात दिए हैं सुल्तानपुर वासियों के लिए। तो इस वक्त आप देख रहे हैं खास रिपोर्टिंग सुल्तानपुर से, जो शनिवार को यह संबोधित करते हुए मेनका गांधी जी ने इन सभी को जो है यह सौगात तेजी के साथ जो है देकर या लोगों को खुशियों का अंबार लगा दिए हैं। जो कि CC कैमरा जो है अनेक शहरों में बहुत ही आवश्यक होता है और यह लोगों को देख और सुनकर इसे काफ़ी सुरक्षा और अच्छा की दृष्टि से CCTV देखा जा सकता है। या शहर के अनेक चारों तरफ या जगह पर CCTV का सौगात मिल गया है। अब जो है चारों तरफ CC कैमरे लगेंगे और भी कई ऐसे विकास कार्यों को भी यहां पर देखा जा सकता है। तो खास रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं कुशभावनपुर से, हमारे साथ सहयोगी हैं मृत्युंजय मिश्रा। खास रिपोर्टिंग आप देख सकते हैं। हाँ नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार मिश्रा कुशभावनपुर सुल्तानपुर से। और जैसा कि अभी जो है हाल ही में जो है आदरणीय सांसद संजय मेनका गांधी जी जो है दौरे पे थी, जैसा कि कल उन्होंने जो एक हमारे सुल्तानपुर कुशभावनपुर जनपद को एक सबसे बड़ी सौगात दी, कृष्ण कुमारी के बगल में एक बहुत बड़ा पार्किंग जोन जो है बनने जा रहा है, जिसके लिए आदरणीय जी द्वारा जो है 1.11 करोड़ रुपए की जो है स्वीकृति जो है प्रदान कर दी गई है। बहुत जल्द ही जो है जिले को जो है जाम से निजात मिल जाएगी और हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बहुत खुशी की बात है। और हम ये भी जो है चाहते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में, अभी चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव कुछ दिन बाद है, तो हम सबसे यही अपील करना भी चाहते हैं कि आदरणीय संजय मेनका गांधी जी जो है सुल्तानपुर की एक बार पुनः जो है प्रत्याशी बनके हम सबके बीच में आए
और हम सब जो है हम सब उन्हें भारी से भारी बहुमत से जिता करके लोकसभा जो है भेजने का काम करेंगे। और जिस तरह से वो पिछले 5 साल से हम लोगों के हो रहा है, जिस तरह से आप सीसी कैमरा लगने जा रहा है और रोड वगैरह चमाचम हो रहा है, चारों तरफ रोड वगैरह बना है, और क्या क्या विकास हो रहा है जो कि कुछ भावनपुर की माननीय जो है सांसद मेनका गांधी जी हैं, और कितना ख्याल रखती हैं कुछ भावनपुर का? कुछ भावनपुर का ध्यान जब से आदरणीय सांसद मेनका संजय गांधी जी हमारे कुशवाहनपुर की सुल्तानपुर की सांसद बनी हैं, तब से इससे पहले जो सांसद थे वो संजय सिंह थे, वो वरुण गांधी जी थे, उससे पहले संजय सिंह जी थे, उससे पहले ताहिर खां थे। तो सबका अगर विकास कार्य देखा गया तो सुल्तानपुर की झोली में कुछ भी नहीं आया, वरुण गांधी जी के आने के बाद ही से और उनकी माता मेनका गांधी जी के आने के बाद से ही सुल्तानपुर को प्रदेश में नहीं पूरे जो है भारत में एक नई पहचान मिली। और जो विकास की गंगा जो है वही सुल्तानपुर में, चाहे वो धोपाप धाम को देख लीजिए, चाहे वो मेडिकल कॉलेज को देख लीजिए, चाहे वो जो है रोडवेज को ठीक कराने का काम हो, चाहे फोर लेन कराने का काम हो, चाहे वो सखी केम्प बनाने का काम हो, चाहे नवोदय बनाने का काम हो, कुछ भी मतलब हो जो सुल्तानपुर जनपद की जनता के हित में जो भी कार्य हो वो आदरणीय सांसद जी हमारे जो है वो जो है जितनी मतलब जो भी हो वो कराने का काम करती है, जितना प्रयास हो सकता है वो सुल्तानपुर की हरदम करती रहती है, सोचती रहती है। सुल्तानपुर उनके दिल में बसा हुआ है और सुल्तानपुर का जो बच्चा है, नौजवान है, सब वो माँ की तरह जो है सबको मानती है और सबको जो है प्यार करती है। और चाहे अभी कुछ दिन पहले हालिया में जो है रेलवे स्टेशन की बात हुई, यहाँ पे कुछ यात्रियों को दिक्कत हो रही थी, ट्रेन नहीं रुकती, माता जी ने उसके लिए भी प्रयास किया, ट्रेन भी जो है रुकने लगी, तो कहीं ना कहीं प्रयास वो जिले के लिए हरदम वो सोचती रहती है। और इतनी आयु होने के बाद भी वो जो है सुल्तानपुर के लिए हरदम तत्पर रहती है, जिले में जो है मान के चलिए कि हर 15 दिन में जो है वो आती रहती है और जो है कुछ न कुछ जो है सौगात जो रूप है सोचती रहती है, रोड मैप बनाती रहती है। ये हमारे और कुछ भवनपुर के लिए ये सौभाग्य की बात है कि मुझे जो है पहली बार एक ऐसा सांसद मिला जो हमारे सुल्तानपुर को जो है प्रदेश में ही नहीं देश में जो है नाम दिलाने का काम कर रहा है और विकास की गंगा जो है बहा रहा है। ये हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है और आने वाले समय में आज जिस हिसाब से 5 साल उन्होंने हम लोगों के लिए अपने बच्चों के लिए किया है, अब वो हमारा जो है समय आ चुका है कि मैं आदरणीय सांसद मेनका गांधी जी उस माता जी को मैं कम से कम कुछ 5 लाख से ज्यादा वोटों से जिता करके मैं उन्हें जो है एमपी का जो है चुनाव जिता करके मैं वहां पे दिल्ली में भेजू। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।